नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ हम मौजूद हैं रीवा की मंडी में। जी हाँ, कृषि उपज मंडी में मेरे हाथ में देख रहे हैं वो गेहूं है। ये गेहूं सरकार खरीदती है 1925 रुपए में। आज हम यही जानेंगे ये गेहूं मंडी में कितने में बिका। मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं ये सारे किसान हैं, आज यहाँ पर गेहूं बेचने आए। बताइए कितने में आप गेहूं बेच रहे हैं? 1450। कहाँ से हैं आप? अजगराज। आप जी? क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र। अजगराज के अलावा भी और कोई? ताला, बिहरा और यहाँ से कितने किलोमीटर दूर से आप सफर करके आए? जरा पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर से दूर से आप आए? आप भैया अजगराज से। और कौन दूर से आया? 35 किलोमीटर दूर से आप आए? कितना भाड़ा लगा ट्रैक्टर का? भाड़ा तो घर का है। अच्छा, घर का, इसलिए आप बच गए। देखिए, 35 किलोमीटर दूर का सफर कोई कम नहीं होता अगर कहा जाए तो। निश्चित रूप से एक ट्रैक्टर लेंगे, डीजल भराएंगे, अगर अपने पास है तो डीजल का पैसा तो लगेगा ही। इसका सीधा सा अर्थ है इस गेहूं के मूल्य में उस मूल्य को भी जोड़ना पड़ेगा जो हमने खर्च किए। इसका मतलब अगर हमने 500 रुपये खर्च किए हैं और 10 बोरे लाए तो 50 रुपये रेट और कम हो गया। इसका सीधा सा अर्थ है 1400 से कम रेट में यहाँ पर गेहूं बिक रहा है। पूरा देश का किसान इस समय सड़कों पर है, दिल्ली के आसपास किसान इकट्ठा है। किसान केवल एक छोटी सी ही मांग है। छोटी सी क्या मांग है? इस गेहूं का, जैसे कि सरकार ने कहा पहले 1925 रुपए, तो किसानों का केवल इतना कहना है कि इस गेहूं का रेट फिक्स कर दिया जाए 1925 रुपए। ये तो हुई मौखिक बात कितने का गेहूं यहाँ पर बिक रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जिनके पास, जिन्होंने कल परसों गेहूं बेचा था और रसीद भी उनके पास है। पहले तो हमारे दर्शकों को वो रसीद दिखाइए, आपने कितने का गेहूं, जरा इसको पेन करके हमारे दर्शकों को दिखाइए कितने में बेचा आपने गेहूं? दो तरह का गेहूं बिका, 1475 रुपये और 1488 रुपये। 1475 रुपये और 1488 रुपये, ये दो तरीके से गेहूं बे, ये दो तरीके का गेहूं क्यों, कैसे, जरा समझाइए। तो अब गेहूं एक था, पुराना गेहूं था, तो शायद उसमें क्वालिटी की कमी थी इसलिए वो 1475 रुपये आ गया और 1488 रुपये दूसरा गया। सीधा सा मतलब है 500 रुपये कम में, सरकार तो 500 रुपये ज़्यादा दे रही है आपको, फिर आप कम में गेहूं क्यों बेच रहे हैं? अरे यहाँ तो 1400 रुपये ले रहे हैं, बाहर तो आप चलिए 1200 रुपये में बिक रहा है, और निजी ठेके पर जो कह रहे हैं वो 1000 में ही गाँवों से उठा रहे हैं। यहाँ आके कुछ तो मिल रहा है मंडी में? ये एक बड़ा सवाल है जो किसानों के जहन में गूंज रहा है। जब मंडी के अंदर ये हाल है और मंडी के बाहर वो हाल है। अगर मंडी बंद हो गई, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा में 18 मंडियां हैं, 18 में 15 में कामकाज शून्य के बराबर है, केवल 3 मंडियों में काम हो रहा, उस पे भी ये समर्थन मूल्य से 500 रुपये कम में यहाँ पर गेहूँ बेचा जा रहा है। और बाहर का हाल क्या है, अभी मैं आपको मंडी के बाहर भी ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि वहां पर क्या हाल है, किस तरीके से। अच्छा, एक बात और हमारे दर्शकों को समझाइए, जिस तरीके से आपने 1475 रुपये में बेचा, बाहर जो भी रेट होगा वो अभी हम पता ही कर लेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। सवाल ये है कि आपको पैसा कैसे मिलता, तुरंत मिलता है या बाद में मिलता? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान अगर यहाँ आता है, मंडी के कर्मचारी या सरकार के नीचे बेचता है तो पैसे मिलते हैं, चाहे एक दिन बाद मिले या दो दिन बाद। लेकिन यदि उसी दिन शाम को मिल जाता है, नहीं आ सकता किसान अगले दिन भी, यानी 5 बजे के बाद, लेकिन एक गारंटी है कि मिलना तय है। यदि व्यापारी बाहर का आदमी आके पैन कार्ड दिखा के, आधार कार्ड दिखा के हमारा गेहूं ले जाएगा तो पैसे कौन देगा? विजय माल्या फुर हो गया, माहुल चौक से फुर हो गया, एक तरह किसान उड़ता रहेगा, बड़ा व्यापारी फुर हो गया। लेकिन यहाँ पर 1475 रुपये, बाहर आपका कहना है 1200 रुपये, हम उसकी भी तहकीकात करेंगे, ये भी जानेंगे कि मंडी के बाहर क्या रेट है। आपका कहने का क्या, आप ये बताइए, एक चीज और भी समझाइए, ये जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 1475 रुपये, बाहर 1200 रुपये, तो क्या आपको लगता है कि व्यापारी 1200 रुपये में बाहर खरीदेगा और अंदर आके 1475 रुपये में बेच देगा? बिल्कुल सही बात है, आप देखिए जो बाहर खरीदते हैं वो अंदर ही लाके बेचते हैं। हम तो मांग कर रहे हैं ना न्यूनतम समर्थन मूल्य में, तो खरीद लीजिए।
हमारा जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य देश का किसान नहीं मांग रहा कि हमको अधिक से अधिक दीजिए, हमको कम से कम दे दीजिए कि 1900 रुपए से नीचे ना बिके। हम 50 किलोमीटर दूर से लाते हैं, 500 रुपए का डीजल खर्च करते हैं और 1400 रुपए में हमारा गेहूं बिकता है, यानी एक क्विंटल हमारा 1300 में ही पड़ता है। सच्चाई आपके सामने, हम MSP मांग रहे हैं। ठीक है ठीक है, मान लिया आपकी बात, मान ली, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ के एक कानून बनाया है, उस कानून को लेकर आप लोग सड़कों में हैं क्या, इसीलिए कि 1900 की जगह आपको 1475 रुपए मिल रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ सोचा होगा, आज तक की जो सरकारें थी भारतीय रेलवे ही लिखा था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अडानी रेलवे हो गया। राजनीति फिर किसी दिन, आज केवल और केवल बात इस अन्न की, जिसको खा के जिसको जिसकी जरूरत इस देश के हर व्यक्ति को है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिला दीजिए, एक जितना निर्धारित है 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, 23 फसलों का 2 का दे पा रही है, इसका गेहूं का और धान का। 21 फसलों का समर्थन मूल्य सरकार अभी भी नहीं दे पा रही है। किसान के साथ न्याय कर रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जी, तो 1900 रुपया हमारा गेहूं बिकवा दीजिए, हम आंदोलन नहीं करेंगे। आपकी बात मानी, मैं अभी मंडी के बाहर भी चलूंगा और आपको बताऊंगा गेहूं का क्या रेट है मंडी के बाहर। किसानों की केवल और एक छोटी सी मांग है, जिसको लेकर दिल्ली के आसपास खासतौर से पंजाब हरियाणा के किसान उस बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसका कहना इसी वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य वो चाहते हैं कि सरकार ने जो रेट फिक्स किया है उसको कर दिया जाए, कि अब इससे कम में हम गेहूं कोई भी नहीं बेचेगा। लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, किसान झुकने के लिए तैयार नहीं। किसान की तो अपनी मजबूरी है, अगर उसके साथ यही हाल रहा तो निश्चित रूप से मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि गेहूं अगर कम से कम रेट में बिका तो किसानों को बहुत दिक्कत जाएगी। हम आप पहुंचे हैं मंडी के बाहर, यहाँ पर भी गेहूँ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं गेहूँ, ये यहाँ पर दुकानदार खरीदते हैं, कुछ हमारे साथ किसान हैं। अंदर का हाल तो हमने बता दिया, अब बाहर भी यहाँ पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बाहर क्या रेट गेहूँ बिकता है। 1300 से 1400। क्या रेट? 1300 से 1400। किस गाँव से हैं आप? हम लखनऊ से। लखपतपुर से लाने का भाड़ा क्या लगता है? 500 रुपये। 1000 रुपये ट्रैक्टर हो गए, 1200 रुपये। 1200 रुपये ट्रैक्टर का भाड़ा, एक ट्रैक्टर में कितने बोरे हो गए? 60-70। अमूमन 50 से 60 रुपये एक बोरे की कीमत आती है भाड़े की, अगर ट्रैक्टर में लाया जाए 1400 से 1300 रुपये। ये गेहूँ आप जो देख रहे हैं मंडी के बाहर बिक रहा है, मंडी के अंदर 1400 का रेट। सीधा सा मतलब है MSP से लगभग 600 रुपए कम में गेहूं मंडी के बाहर बिक रहा है। किसानों का डर, मंडी बंद हुई तो क्या होगा? अब ये मैं बोलूं, इससे बेहतर है आप खुद समझिए, आज की तारीख में MSP 1925 रुपए, मंडी के अंदर 1400 रुपए, मंडी के बाहर 1300 रुपए। आपको खुद तय करना है जो केंद्र का नया कानून है वो किस तरीके से बेहतर है या किस तरीके से किसानों के लिए नुकसानदायक है।